जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स WBBL T20 मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच ब्लंडस्टोन अरीना हॉबर्ट के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन सुबह के 11:20 पर स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से ना 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी उड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 17 अक्टूबर को ब्रिस्बेन हीट वुमन वर्सेस पर्थ स्कॉचेस वुमन्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी दोस्तों यहाँ पे ब्लंडस्टोन अरीना हॉबर्ट, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हो ब्लंडस्टोन अरीना हॉबर्ट। तो इसकी जो पिच है ना दोस्तों, ये आपको यूज पिच देखने को मिलेगी। आपको पता है दोस्तों, जब से बिग बैश लीग स्टार्ट हुई ना, जिसको अपन बोलते हैं WBBL वुमेन्स बिग बैश लीग, जब से स्टार्ट हुई है कब से 14 अक्टूबर से, तब से दोस्तों एक ही वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस हो रहे हैं। जो पिच है दोस्तों यूज पिच रहेगी यहाँ पे। जो पिच की टाइटनेस थी ना दोस्तों, पकड़ थी, वो थोड़ी सी ढीली हो गई है, क्योंकि दोस्तों एक ही पिच के ऊपर बार बार मैचेस होते हैं ना, तो पिच दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी स्लो जाती है। स्पिनर्स को दोस्तों यहाँ पे हेल्प मिलेगी, कटर बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, जो गति परिवर्तन करते हैं, स्लो रन डालते हैं, उनको मदद मिलेगी। और दोस्तों एक और बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, क्या स्टार्टिंग ओवर्स होते हैं ना, उसके अंदर दोस्तों रन अच्छे खासे बनते हैं पावर प्ले के अंदर। स्टार्टिंग के 200 ओवर तक ना रन अच्छे बनेंगे, उसके बाद दोस्तों जो 11 से लेकर 20 ओवर आता है ना, तब दोस्तों पिच और स्लो जाती है, बॉल रुक के बैट के ऊपर आती है, तो दोस्तों रन बनाना पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे पिच को देख सकते हो, ये लेटेस्ट दोस्तों पिच की फोटोज आप देख सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों मैदान अपना ब्लंडस्टोन अरीना हॉबर्ट का कितना दोस्तों खूबसूरत है मैदान है। ये दोस्तों टॉप क्लास अपना गेम है क्रिकेट का, हमेशा दोस्तों इसके लिए दिल और शिद्दत से अपन रात दिन रात के लिए कर, मतलब समझ रहे हो दोस्तों, आप दिन रात काम करने के लिए तैयार है। या आप दोस्तों स्टेडियम देख सकते हो। अब देखो ग्राउंड डायमेंशंस की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री आपको यहाँ पे लगभग 58 से लेकर 60 मीटर की देखने को मिलेगी, ठीक है। अराउंड इतनी रहती है हर मैच के अंदर, बस 1-2 मीटर आगे पीछे हो जाती है। वहीं जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना, यहाँ पे एक्जैक्टली 66 मीटर्स की देखने को मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी है। जो स्पिनर्स है दोस्तों अपना जिगरा रख के यहाँ पे बॉलिंग करा सकते हैं, बॉल को फ्लाइट दे सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों मैदान बड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है बॉलर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करते हैं, तो देखो इस वेन्यू के ऊपर ना सिडनी सिक्सर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 5 मैच खेले हैं, 5 के 5 यहाँ पे दोस्तों सिडनी सिक्सर्स वुमेंस ने जीते हैं। वहीं मेलबर्न स्टार्स वुमेंस की बात करते हैं, तो 7 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं। अब देखो जो टीम बैट फर्स्ट करी है 6 बार जीती है, जो टीम चेस करती है यहाँ पे 7 बार जीती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बैट फर्स्ट और बैट सेकंड करता इतना मायने नहीं रखता है, और एवरेज स्कोर 130-150 आपको बनता हुआ दिखेगा। अब देखो लास्ट 8 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाज 49 विकेट्स है, पहली पारी में 23 है, दूसरी पारी के अंदर 26 विकेट्स है। राइट आर्म पेसर्स के 49 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के मात्र 0 विकेट है। यहाँ पे बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 8 मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है। 46 विकेट्स है, पहली पारी में 25 है, दूसरी पारी के अंदर 21 विकेट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए रहेंगे लेग स्पिनर्स, जिनके विकेट्स हैं यहाँ पे 20, ऑफ स्पिनर्स के यहाँ पे 16 विकेट्स हैं, और यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के 10 विकेट। जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट वुमन वर्सेस पर्थ स्कॉचेस वुमन जो हुआ था 17 अक्टूबर को, उस मैच के अंदर यहाँ पे 5 विकेट पेसर्स के थे और दोस्तों 10 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे। तो स्पिनर्स दोस्तों फिर से आ गए यहाँ पे, बढ़िया वेदर दोस्तों पे रहेगा। आप खुद गूगल के ऊपर जाके वेदर फोकास्ट चेक कर सकते हो, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो आप दोस्तों एकदम बढ़िया वेदर है, सनी वेदर दोस्तों पे रहेगा। तो बारिश दोस्तों होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, और वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। आपसे बस ये दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी दोस्तों इन बंस अनअवेलेबल है ऐसा कहा जा रहा है, देखते हैं दोस्तों क्या अवेलेबल हो पाएगी। उनके स्टैट्स मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। अगर बाई चांस खेल भी लेती ना, तो अपन दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, इसके स्टैट्स भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गई अपनी मेलबर्न स्टार्स, इसमें दोस्तों कोई दिक्कतें हैं नहीं। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 13 मैच खेले हैं, और सिडनी सिक्सर्स दोस्तों 6 बार जीती है, मेलबर्न स्टार्स भी 6 बार जीती है, और एक मैच नो रिजल्ट रहा था। और जो लास्ट दोस्तों इस सीजन आपको बताया वुमेंस बीबीएस लीग का ना WBBL का 7वां एडिशन है, 7वां अध्याय कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से, ठीक है, 7वां एडिशन है। तो जिसका आगाज हुआ था 14 अक्टूबर को दोस्तों इसी टीम के बीच में हुआ था, सिडनी सिक्सर्स वुमन वर्सेस मेलबर्न स्टार्स वुमन्स के बीच में, जिसको दोस्तों सिडनी सिक्सर्स ने 6 विकेट से जीता था, आपको याद रहे तो,
ठीक है। अब देखो लाइनअप्स की बात करते हैं, सिडनी सिक्सर्स उस समय पहले दो मैचेस जीत के आ रही है। अलाइस हेली ओपन करेंगी किसके साथ, शेफाली वर्मा के साथ। अलाइस पेरी दोस्तों यहाँ पे वन डाउन आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों एश्ले गार्डनर वन डाउन आती है मेरे हिसाब से, दोस्तों टीम को क्या करना चाहिए, अलाइस पेरी को दोस्तों वन डाउन भेजना चाहिए। जो रेगुलर पोजीशन एश्ले गार्डनर की, टू डाउन ही होनी चाहिए। निकोला बॉल्टन, एंजेल एरिक्स आएंगी, कैल मोरी, मटली ब्राउन, राधा यादव, फिर स्टेला कैम्बल और लॉरा चिटल दोस्तों इस मैच में आ सकती हैं, क्योंकि एमा इक्सना ना बॉलिंग कर रही है ना बैट कर रही है, टीम उनको खिला रही है। अब देखो यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज कौन रहेंगी, राधा यादव, स्टेला कैम्बल, मटली ब्राउन, निकोला बॉल्टन और यहाँ पे एश्ले गार्डनर, पांच दोस्तों सबसे प्रमुख गेंदबाज इस टीम की। एलएस वेरी दोस्तों दो तीन ओवर डाल रही है मुश्किल से। मेलबर्न स्टार्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एनाबल सदरलैंड प्रमुख गेंदबाज रहेंगी, किम गर्थ प्रमुख गेंदबाज रहेंगी और सोफी डे दोस्तों यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज रहेंगी, लिन स्मिथ में टेस्ट लिंटॉफ है, पांच दोस्तों सबसे मेन गेंदबाज है इस टीम के, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे देखो गिव है मैगलेनिंग के ऊपर, हैशटैग स्ट्रैटेजी जो आपको लिखना है आपको बताना दोस्तों, ML मैगलेनिंग कितने रन बनाएंगी। गिव अवे दोस्तों यहाँ पे इतने का रहेगा 50 का, ठीक है। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो, ये कहूँगा दोस्तों चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन आप हिट कर देना, ये दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों स्टैट्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे अब असली दोस्तों खेल स्टार्ट होता है, सीरियस हो जाना है। तो देखो यहाँ पे अलाइस हेली जब खेली है अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स, 11 मैच खेले 45 की एवरेज है, 451 रन से कड़क स्टैट्स है। बैट फर्स्ट 106 है, नॉट आउट है 70 है, 35 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है। वही बैट सेकंड में एक और शतक है, 111 है, 27 है, 21 है, 57 है। तो चेस पे दोस्तों हर बार 20 प्लस स्कोर्स करें स्टार्ट मिल जाता है इनको चेस पे। शेफाली वर्मा एक मैच के अंदर 8 रन है, अलाइस पेरी का 12 मैच के अंदर 54 की एवरेज है, 435 रन है, हाइस्ट 91 नॉट आउट है, 30 प्लस 7 बार करा है। यह बहुत बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, सब जानते हैं कितनी बड़ी दोस्तों प्लेयर है अलाइस पेरी, बस फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है। पर कहते हैं ना दोस्तों एक बड़े प्लेयर को फॉर्म में आते हुए टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा दोस्तों ऐसा फेस आता है जहाँ पे प्लेयर फॉर्म में नहीं होता है, फिर दोस्तों बैक इन फॉर्म आ जाता है। तो ये भी दोस्तों ऐसी प्लेयर है, 3 विकेट्स विद द बॉल है, बैट फर्स्ट 91 नॉट आउट, 37 नॉट आउट, 58 45 28 6 4 0 और बैट सेकंड 39 नॉट आउट है, 39 31 7 है। आएंगे एश्ले गार्डनर, फिर दोस्तों यहाँ पर आएंगे एश्ले गार्डनर, 11 मैच के अंदर 25 के एवरेज है, 250 रन है, हाइस्ट 114 है, 30 प्लस 4 बार गया है, 3 विकेट्स हैं। ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया बैटर है, इनका दिन होता है दोस्तों बहुत तगड़ा मार के जाती है। निकोला बॉल्टन आएंगे यहाँ पे, 13 मैच 19 के एवरेज है, 192 रन है और बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस रहा दोस्तों इनका भी। बैट फर्स्ट 36 है, 32 है, 2 है, वहीं बैट सेकंड के अंदर 67 23 9 5 3 2 7 और उससे बॉल भी करती हैं, विकेट्स आपको निकालती हुई दिखेंगी, 3-4 वो डाल देती हैं आजकल, तो ये भी आपकी मस्ट पिक वाली लिस्ट में होनी चाहिए। रहेंगे यहाँ पर एंजेल एरिक्स, इनका हेड टू हेड मैच के अंदर 8 मैच में 80 रन है, मटली ब्राउन का 10 मैचों में 5 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गई हैं, राधा यादव का 0 विकेट है बॉल फर्स्ट करते हुए और स्टेला कैम्बल का 3 मैच में 1 विकेट है, हेमिंग्स का 1 मैच के अंदर 9 रोल था। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, एरिन बेंस बाई चांस आ जाती है ना दोस्तों तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, आप देख सकते हो 11 मैच के अंदर 122 रन है, 1 विकेट है, बैट फर्स्ट 25 है, 18 है, 17 है, 8 है, 6 है, वहीं बैट सेकंड में 15 14 9 7 3 है। स्टार्टिंग ओवर अलाइस पेरी, स्टेला कैम्बल, मटली ब्राउन, निकोला बॉल्टन, डेथ ओवर स्टेला कैम्बल, मटली ब्राउन, राधा यादव, निकोला बॉल्टन। बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की, एलेक्स सुलानी 13 मैच के अंदर 37 की एवरेज अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स, लास्ट टाइम दोस्तों 54 नॉट आउट की नॉक खेली थी, बहुत अच्छी इनकी नॉक थी वो, 410 रन है हेड टू हेड के अंदर। अब देखो यहाँ पे पहली बारी के अंदर 45 32 16 14 7 0 54, वहीं सेकंड इनिंग्स के अंदर आप देख सकते हो इनका 74 नॉट आउट है, 63 है, 59 है, 23 है, 19 4 है। एनाबल सदरलैंड दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया पीक है, बॉलिंग दोस्तों अच्छी कर रही है, लास्ट मैच के अंदर 2-3 विकेट निकाले थे, एक मिडन ओवर था इनका अगेंस्ट हॉबर्ट हरिकेन्स, रिचा घोष को आउट करा था, मैगिडन डुप्लेस को दोस्तों चलता करा था, याद है ना आपको। आएंगे फिर देखो यहाँ पे सदरलैंड 5 मैच में 2 विकेट है, 41 रन है, मैगलेनिंग 9 मैच के अंदर 455 रन, 76 की एवरेज है, शी इज़ अ लेजेंडरी प्लेयर फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, हर बार दोस्तों मैं वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि दोस्तों उन्होंने ऐसा काम करके दिया है बहुत बार। बैट फर्स्ट 77 28 है, बैट सेकंड 81 76 है, 67 नॉट आउट, 58 37 9 23 नॉट आउट, तो बहुत बढ़िया प्लेयर अपन कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से। और ये दोस्तों होगा फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, 23 नॉट आउट आया ना लास्ट मैच के अंदर, यह आया था बैट फर्स्ट करते हुए, इसको दोस्तों अपन करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आएंगे मैं बाउचीर, इस साल दोस्तों 15 मैच खेले हैं, 32 के एवरेज है, 222 रन है, बैट फर्स्ट में 12, बैट सेकंड के अंदर 25 के एवरेज है। रिज ऑस्बर्न आएंगी, 11 मैच 182 रन, 11 विकेट्स है और बॉल फर्स्ट 9 विकेट है, बॉल सेकंड में 2 विकेट्स है, 3 मैच के अंदर विकेट लेस गई है, वैसे तो बहुत बढ़िया बैटर है स्पेशली बॉल फर्स्ट करेगी तो। फिर यहाँ पर आपको दिखेंगी किम गर्थ, 3 मैचों के अंदर 3 विकेट्स, हेड टू हेड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, नई बॉल को कंट्रोल करती है दोस्तों, स्विंग करा सकती है बुद्ध साइड। निकोला फॉल्थुंगा 23 रन है 6 मैचों में,
टेस्ट लिंटॉफ का 4 मैच में 3 विकेट है, 11 रन है दोस्तों। अच्छी गेंदबाज है, मुझे पसंद है इनकी बॉलिंग लाइन लेंथ और बहुत तगड़ी यॉर्कर्स डाली थी लास्ट ईयर। दो लिंस स्मिथ अच्छी स्पिनर है और इन पर दोस्तों आपको निगाह रखनी है, लेजेंडरी स्पिनर दोस्तों आती हैं इंग्लैंड से, बहुत अच्छी स्पिनर है। एनएल रिंग 6 मैच में 26 रन 2 विकेट्स है, सोफीडियो 2 मैचों में 1 विकेट है, यंग प्लेयर है, अच्छा टप्पा है इनका भी। रियान सैमसिगेनी का 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, लास्ट मैच में दोस्तों पिटाई भी थी इनकी थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में किम गर्थ है, टेस्ट लिंटॉफ है, सदरलैंड है, डेथर में टेस्ट लिंटॉफ है, किम गर्थ है, सदरलैंड है, लिंस स्मिथ है। बात करेंगे दोस्तों वेन्यू स्टैट्स की, तो इस वेन्यू पे क्या हुआ है, एलेक्स एली ने यहाँ पे 12 मैच खेले, 181 रन से 20 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 30-11-2, बैट सेकंड 32-20 नॉट आउट 8-8-7-3 57-3 है। शेफली वर्मा की बात करते हैं तो 8 बैट सेकंड 57 बैट सेकंड है। एलेक्स पेरी का 12 मैच में 45 की एवरेज है, 225 रन से 12 विकेट्स हैं और डिसेंट परफॉर्मेंस रहे इनका हर बार। यहाँ पे आएंगे एशले गार्डनर, 4 मैच खेले 79 चेस करते हुए, 0 बैट फर्स्ट है 7 चेसिंग है 3 चेसिंग है 1 विकेट है। निकोला बॉल्टन की बात करते हैं तो 6 मैच के अंदर 6 विकेट से 99 रन्स है, ये दोस्तों कुछ ना कुछ करके देती हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंकर का रोल अदा करती हैं, फिर दोस्तों अपने गेयर्स भी चेंज कर सकती हैं, हार्ड हिटर बैटर भी हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्रूशियल रोल एज एंकर। फिर देखो यहाँ से एंजेला रिक्स का 6 मैच में 11 रन्स है, मटली ब्राउन का 5 विकेट से 4 मैचेस के अंदर, राधा यादव का स्वैनी के ऊपर 2 मैच में 2 विकेट है, शिला कैम्बल 0 विकेट्स हैं यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर। हिरिन बिन सजाती तो यहाँ पे 28 मैच में 725 रन 16 विकेट्स है। मेलबर्न स्टार्स की बात करते हैं, इवलानी का दोस्तों यहाँ पे 9 मैच के अंदर 45 की एवरेज, 225 रन्स है। मैगलैनिन का 10 मैच में 33 मतलब देखो 333 रन्स है, 55 की एवरेज है। फिर यहाँ पे एनाबल सलन का 14 रन 1 विकेट है, हिरिन ऑस्मेनी का 5 मैच में 24 रन 1 विकेट है, किम गर्थ का यहाँ पे 2 में 2 विकेट्स है, लेंसिस में दोस्तों यहाँ पे 1 विकेट निकाल चुके हैं वैसे देखा जाए तो। एनएल लिंग 6 मैच में 11 रन्स, रैन समसी का 1 विकेट है, सोफीडी 1 विकेट है। मैचअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एलेक्स एली का स्ट्रगल है एनाबल सदरलैंड के सामने, इनका स्ट्रगल आप देख सकते हो एलेक्स एली का। इरिन ऑस्मेनी के सामने 18 गेंद 31 रन 2 बार आउट कर रखा है, दोनों बार इनको दोस्तों पहली बारी में आउट करा है, सदरलैंड ने एक बार आउट कर रखा है, टेस्ट लिंटॉफ ने एक बार आउट कर रखा है, सोफीडी ने एक बार आउट कर रखा है एलेक्स एली को। शेफली वर्मा वर्सेस एनाबल सदरलैंड, 4 गेंद 1 रन और 1 बार आउट करा है। एलेक्स एली का स्ट्रगल है हुरान एमसिगेना का, 0 रन है 1 गेंद के अंदर आउट करा था पहली बॉल के अंदर इनको। एशले गार्डनर वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, किम गर्थ 1 बार आउट करा है, सदरलैंड ने 1 बार आउट करा है, ऑस्बर्ने ने 1 बार आउट कर रखा है। निकोला बॉल्टन वर्सेस इरिन ऑस्बर्ने ने 52 बॉल्स 31 रन बनाए हैं, 4 बार आउट हुई है, किम गर्थ ने 1 बार आउट कर रखा है, 15 गेंदों में 11 रन देंगे। इरिन बंस का आप देख सकते हो, एंजेला रिक्स का स्ट्रगल इरिन ऑस्बर्ने के सामने, एलेक्स एली वर्सेस एशले गार्डनर, निकोला बॉल्टन, मैगलैनिंग वर्सेस राधा यादव, 21 गेंद 23 रन 2 बार आउट कर रखा है। करेंगे यहाँ पर एनाबल सदरलैंड का स्ट्रगल मटली ब्राउन के सामने, इरिन ऑस्मेनी का स्ट्रगल एशले गार्डनर के सामने, 18 गेंद 13 रन 3 बार आउट करा है। किम गर्थ ने दोस्तों यहाँ पे राधा यादव के सामने 2 गेंद में 1 रन बना के आउट हुई हैं। निकोला फॉल्टन यहाँ पे निकोला बॉल्टन के सामने 7 गेंद में 6 रन बना के 1 बार आउट हुई हैं। कॉमन कैप्टन एशले गार्डनर, एलेक्स पेरी, बड़ी लीग्स में सुनाना बनाओ दोस्तों एशले गार्डनर को, मैगलैनिंग को, एलेक्स पेरी को, एनाबेल सदरलैंड को, ये 4 टॉप मोस्ट पिक्स MVP पिक्स। और यहाँ पे अलग जाना है, विलानी हो गई, शेफली वर्मा, एलेक्स एली। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैप्टन यहाँ पे एलेक्स पेरी, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे एशले गार्डनर है, और यहाँ पे आप कर सकते हो दोस्तों किसको, एनाबेल सदरलैंड को, एस चीज स्टार प्लेयर आप भी जानते हो दोस्तों, मैं भी जानता हूँ उनके बारे में, लेंस स्मिथ अच्छी है, मेटली ब्राउन दोस्तों एक अच्छी पिक रहेंगी, और राधा यादव भी दोस्तों की अच्छी फ्लाइटेड बॉल डालती है, स्पिनर एक तरीके से कहा जाए तो। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या अगर आपको पता है, मैंने मैगलैनिंग को स्मॉल लीग्स के अंदर ड्रॉप करा है, बहुत ही रिस्की है मेरे हिसाब से, आपको सीरियसली कहूँ ना तो इनको मैनेज कर लेना, बहुत अच्छी प्लेयर है, सब जानते हैं दोस्तों इनके बारे में, और थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है दोस्तों, इनको ड्रॉप कराया तो अपन ने, और जगह आप इनको ले सकते हो सीरियसली कहूँ तो, किसके बदले आप ले लेना यहाँ पे, किसके बदले, सिंपल सा आपके सामने, माय बुचर के बदले एलेक्स एली अच्छी पिक रहेंगे दोस्तों, विद द न्यू बॉल या तो आर या तो पार ऐसी प्लेयर है, पहली बॉल से मारना चालू करेंगे तो आउट या तो फिर चलती बनेंगे, ऐसी प्लेयर है थोड़ी सी। वर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगी, विलानी दोस्तों अच्छी पिक है, मैगलैनिंग अच्छी पिक रहेंगे, तो तीन तो आपको लेके चलने चाहिए यार। यहाँ पे माय बुचर एज ए क्रेडिट सेवर के तौर पर आप देख सकते हो, ये भी ठीक प्लेयर है और एक्सपीरियंस इनके पास बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, माय बुचर के पास। सलैंड इंपॉर्टेंट है, निकोला वॉल्टन इंपॉर्टेंट रहेंगी, एशले गार्डनर इंपॉर्टेंट रहेंगी, एलेक्स पेरी इंपॉर्टेंट है, किम गर्थ दोस्तों एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल भी कर सकती है ग्रैंड लीग्स के अंदर, इनको ट्राई कर सकते हो। आएंगे मटली ब्राउन, ये दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करा रही है, टप्पा अच्छा, स्लो रन अच्छी डालती है बैक ऑफ द हैंड। राधा यादव डेथर में आती हैं, फ्लाइटेड बॉल्स डालती हैं, लेंसेज में दोस्तों एक अच्छी पिक आपकी होनी चाहिए। सोफीडे थोड़ी सी रिस्की, लेकिन आप एक टीम में मुश्किल से ट्राई कर सकते हो, स्लैग एम्बल को भी आप ट्राई कर सकते हो,
टेस्ट लिंट ऑफ डेथ और स्पेशलिस्ट मानी जाती है, एक दो टीम में आप ट्राई कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पे दोस्तों न्यू तो सब्सक्राइब करके जाना है। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू गाइस, टेक केयर।